मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सरलतम तरीके से बागेश्वर धाम कैसे पहुंच सकते हैं। प्रभु कृपा से मैं बागेश्वर धाम जा चुका हूं, तो अपना अनुभव भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं बागेश्वर धाम स्थित कहां है। बागेश्वर धाम स्थित है गढ़ा गाँव में। ये गढ़ा गाँव कहाँ है? ये है छतरपुर ज़िले में। और छतरपुर ज़िला कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। तो बागेश्वर धाम मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गढ़ा गाँव में। अब जो भी लोग बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी तरह से उन्हें छतरपुर पहुंचना है। अभी पहली बार ही बागेश्वर धाम गया था और मुझे वहां रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, किस तरह से पहुंचा जाएगा, कितना समय लगेगा, कुछ भी नहीं पता था। बस मैं एक ही लक्ष्य लेकर गया था कि किसी भी तरह छतरपुर पहुँचूँगा, वहाँ से बागेश्वर धाम मंदिर तो पहुँच ही जाऊँगा। मित्रों, छतरपुर आप किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, बस से, ट्रेन से या फिर अपनी गाड़ी से। जो लोग बस या ट्रेन से आ रहे हैं, अगर उनके ज़िले से या उनके स्थान से डायरेक्टली बस सेवा या ट्रेन सेवा छतरपुर के लिए नहीं है, तो वो छतरपुर से लगते हुए ज़िलों में आ सकते हैं। जब आप छतरपुर के सीमावर्ती ज़िलों में आ जाएंगे, तो वहाँ से छतरपुर पहुँचने का कोई ना कोई साधन तो आपको मिल ही जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो मैं महोबा गया था। महोबा से मुझे छतरपुर जाने के लिए डायरेक्ट बस मिल गई थी। आप लोगों को मैं बता देता हूँ छतरपुर से लगते हुए जिले कौन कौन से हैं। एमपी की साइड बात करें तो मध्य प्रदेश में पन्ना है, दमोह है, सागर है, टीकमगढ़ है। ये सभी आसपास के ज़िले हैं जो छतरपुर से लगे हुए हैं। अगर यूपी की साइड की बात करें तो आप महोबा आ सकते हैं, बांदा आ सकते हैं, आप ललितपुर आ जाइए, झांसी आ जाइए। यहाँ हर जगह से आपको कोई ना कोई साधन मिल जाएगा जो आपको छतरपुर ले आएगा। छतरपुर पहुँचते हुए यदि आपको रात हो जाती है, तो मेरी सलाह यही रहेगी, आप रात वहीं गुजार लीजिए, सुबह दर्शनों के लिए प्रस्थान कीजिएगा। मेरी बात करें तो मैं जब बस स्टैंड पर पहुँचा तो मुझे लगभग 10 या 11 बज चुका था, तो इसलिए मैंने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। दोस्तों, छतरपुर बस स्टैंड पर बहुत सारे होटल आपको मिल जाएंगे, जो काफ़ी सस्ते और अच्छे भी हैं। यदि आप महंगा होटल लेना चाहते हैं तो महंगा भी मिलेगा। सुबह करीब 8-9 बजे आपको बहुत सारे ई रिक्शा वाले बस स्टैंड पर मिल जाएंगे, जो कि बागेश्वर धाम जाने के लिए रेडी होंगे। मेरी सलाह आपको यही है कि आप उसी ई रिक्शा पर बैठें जो पहले से थोड़ी भरी हुई हो, क्योंकि यदि खाली ई रिक्शा पर आप बैठते हैं तो वो अपनी ई रिक्शा फुल करके ही चलते हैं, कम से कम 7 से 8 सवारियाँ बिठाते हैं, तो जब तक वो फुल नहीं करेंगे चलेंगे नहीं। यदि आप खाली पर बैठेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। छतरपुर बस स्टैंड से गढ़ा गांव की दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। इसमें से 28 से 30 किलोमीटर आपको नेशनल हाईवे 39 पर चलना होगा। नेशनल हाईवे 39 पर जब आप आएंगे तो वहां पर बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, जो पैदल ही बागेश्वर धाम मंदिर की ओर जाते हुए दिखेंगे। वैसे तो कई नंगे पैर जाते हुए दिखेंगे और सभी जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम के नारे लगाते हुए दिख जाएंगे आपको। बहुत ही अनुपम और सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा ये। यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, मंदिर के करीब कोई भी ई रिक्शा नहीं जाते हैं, ये गुरु जी का आदेश है। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ही ई रिक्शा रुक कर सब पैदल ही जाते हैं मंदिर तक। इसीलिए आप ऑटो वाले से कोई झगड़ा ना कीजिए, कोई ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, जो वहाँ के नियम हैं उन्हें फॉलो कीजिएगा। आप वहाँ की ज़मीन पर अपना पहला पैर रखेंगे तो आपको एक दिव्य अनुभूति होगी कि हाँ, आप अपने प्रभु के धाम में आ चुके हैं, और आपका श्रद्धा भाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आवश्यक बात उन लोगों के लिए जो लोग वहाँ जाकर रुकना चाहते हैं, तो दोस्तों आप वहाँ रुक सकते हैं, रुकने की व्यवस्था है। बस इतना ही कहूँगा कि उतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं हैं जितनी सुविधाएँ आपको एक होटल में मिलनी चाहिए, लेकिन रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। देखिए, वो एक ग्रामीण क्षेत्र है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो जो रूम आपको मिलेगा उसमें वैसे ही सुविधाएं होंगी जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती हैं। तो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शन करके जो दिव्य अनुभूति आप लोगों को हो, वो हमसे बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय हो। मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की जय हो।